बीसीएच है, राइट, बीसीएच की भी वही कहानी है. द फैक्ट इज कि ये एक तो पहले अप ट्रेंड में था, ये तो क्लियर ही होना चाहिए, क्योंकि इट वेंट फ्रॉम लाइक $500 से ना $1600 जाके आया, तो ऑब्वियसली अप ट्रेंड में था. ठीक है, एक चीज जो अगेन काफी इथेरियम जैसी है कि जो लास्ट मूवमेंट था वो इतना जोर से, मतलब इट वेंट अप सो मच कि जो लो बनेगा ना वो मोस्टली हायर लो ही बनेगा. जैसे अब इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 1650 है, 1650, और अभी इसने लो बनाए हैं 988 पे, तो भी वो पिछला लो से बहुत ऊपर है, पिछला लो 715 पे, राइट. तो मतलब वो चीज करीब कितना 1600 से ये ना ये करीब 35-40% जितना नीचे आया, 38% समथिंग ऐसा कुछ तो नीचे आया, उसके बाद भी उसने हायर लो बनाया. सो ये अपट्रेंड में बना रहेगा ऑन द चार्ट, बट दैट डजंट मीन कि आप लॉन्ग करो. क्यों मत करो? क्योंकि ऑल्दो ये चार्ट पे लॉन्ग करने के लिए, मतलब अपट्रेंड बना हुआ है वो दिखा रहा है, लेकिन वो इसीलिए दिखा रहा है सिर्फ क्योंकि पिछली बार का मूवमेंट बहुत इतना ज्यादा बड़ा था कि वो लो उस वजह से कभी आएगा, मतलब इतना ईजिली नहीं आएगा, मतलब एक बार, राइट. तो बट लॉन्ग, मतलब मार्केट को देख के भी करो, सिर्फ चार्ट को. तो अगर पूरा मार्केट गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो फिर जबरदस्ती लॉन्ग मत करो, राइट. बट अभी के लिए अगर बात करें तो दिस इज स्टिल लुकिंग गुड, क्योंकि ये यहाँ पे ये इसने लो, ये हायर लो, ये अभी अगर ये यहीं रहता, ऑफकोर्स अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता और इसको क्रैश कर ही देता है, आई थिंक इट इज नॉट लाइकली, मुश्किल लगता है मुझे, बट फिर भी अगर ये कर देता तो अलग बात है, बट अगर ये यहीं पे रुक जाता है तो ये हायर लो हो जाएगा. ये हाई, ये हायर हाई, हायर हाई, और ये ऑल टाइम हाई, राइट. सो दो हायर हाई हायर लो चाहिए होते हैं, वो हमको पहले ही मिल गए थे, दो हायर हाई भी मिल गए थे, लो भी मिल गए थे. सो इट इज ऑन एन अप ट्रेंड, और जैसा मैंने बोला कि ये चार्ट पे मोस्टली बना भी रहेगा, बट अगर कहीं जाके मतलब आपको लगता है कि अरे मार्केट गिर रहा है पर ये वाला तो बहुत नीचे से ले रहे, तो प्लीज अवॉइड वो. शॉर्ट तो डेफिनेटली मत करो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जैसा बिटकॉइन का स्ट्रक्चर है या फिर बाकी और ऑल्ट्स का कुछ का स्ट्रक्चर है, वो क्लियरली डाउन ट्रेंड है, उसमें लोअर हाई लोअर लो बन चुके हैं, इसमें नहीं बने, तो इसको शॉर्ट तो मत करो, पर लॉन्ग थोड़ा संभाल के करो, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि पूरा मार्केट क्रैश होगा ना तो भी ये शायद हायर लो हायर हाई बनाता रहेगा. सो इन दैट केस लॉन्ग थोड़ा मतलब देख लो, थोड़ा वेट करके करो, एटलीस्ट शॉर्ट मत करो फॉर नाउ, दैट इज व्हाट आई वुड से. ठीक है, द सपोर्ट इज एट 1040, एंड रेजिस्टेंस तो है नहीं हमारे पास, बट हाँ 1600 जो है वो एक साइकोलॉजिकली होगा, राउंड फिगर भी होगा, सो पर वो दूर है, तो लेट्स जस्ट नॉट पुट इट, 1040 इज द सपोर्ट, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, देखो ये चीज से, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इथेरियम, राइट. वो एग्जाम्पल देखे बता दो, देखो इट वेंट अप, ठीक है, ये क्रिप्टो स्पेशल थोड़ा साइडवेज रहा, आई थिंक 15-20 दिन, गेव मूवमेंट अपसाइड, कोशिश भी किया ब्रेकआउट करने का, नया ऑल टाइम हाई बनाया, गेव अ पुल बैक, फिर वापस बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया, एंड देन इट ब्रोक द सपोर्ट लास्ट वीक. ठीक है, यहाँ सपोर्ट तोड़ दिया उसने और वो नीचे आ रहा है, इतना ही बात हो रही है. ठीक है, इतनी सी बात है. अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि एक्चुअली ये भी काफी पंप हुआ है, मतलब ये क्रिप्टो स्पेशल है, फिर ये भी प्राइस अच्छा खासा बढ़ा है, मतलब विदाउट गिविंग लाइक एनी रिट्रेसमेंट. ठीक है, तो अगर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस होती ना, थोड़ा बहुत पुल बैक होता है, तो ये वाला लो भी कभी नहीं टूटता, या ये वाला मतलब कोई भी लो से. क्यों? क्योंकि इतना बढ़ चुका होता ना प्राइस की, कितना भी गिरता तो मतलब शुरू के जो इनिशियल एटलीस्ट जो गिरता उसमें ये हायर लो ही बनाता, बट जैसा इथेरियम में हो रहा है नहीं, दैट्स द केस इन पॉइंट. कि इथेरियम का जो चार्ट मैंने, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, तो मैंने कहा था यार ये इसका जो लो है ना पहले वो 2200 पे, अब वो 21 जितना भी 2100 2200, तो अब वो ऊपर जाके 3100 पे भी लो बनाएगा ना, तो भी वो हायर लो बनाएगा. इसमें भी टेक्निकली वैसा होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है, बट यहाँ पे देखो ये इतना तेजी से नीचे आ रहा है कि यहाँ पे इसने लो के पास, मतलब आज का जो लो है वो है 483, तो वो ऑलरेडी आ गया उस सपोर्ट तक, और उस सपोर्ट के नीचे अब हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि क्रिप्टो स्पेशल था, प्रॉबेबली यहाँ पे हमारे पास होगा एक 335-338 टाइप का लेवल होगा शायद, बट उसके सिवाय कुछ नहीं, मतलब कम से कम $100 तक तो हमारे पास कुछ भी नहीं है नीचे ऑन द डेली चार्ट एटलीस्ट. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, तो दिस इज वाई इट इज लुकिंग वीक टू मी, इज बिकॉज इथेरियम की तरह ये भी बहुत पंप हुआ,
लेकिन अब ये वापस आ गया उस लो पे जहां इथेरियम अभी नहीं आया या आना नहीं चाहिए होपफुली, राइट। तो ये जब आप कंपेयर करते हैं चार्ट्स, तो हमको समझ में आता है कि किसमें स्ट्रेंथ है, राइट। अब जैसे मुझे दिख रहा है कि यार इथेरियम इतना पूरा मार्केट डंप हो रहा है तो भी स्टिल इट इज मेंटेनिंग इट्स हायर लो, क्योंकि वो बढ़ा ही इतना था, राइट। तो अब जब अगली बार मार्केट ऊपर जाएगा, बुल रन शुरू होगा होपफुली सून, अगर अगला वाला जो मतलब ये जो छोटा सा एक शार्प क्रैश आया है, छोटा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स मतलब सालों के हिसाब से देखो तो ये 2-3 हफ्ते अगर चलता है क्रैश, ठीक है, तो छोटा ही, तो ये जो शार्प एक क्रैश आया उसके जब वहां से रिकवरी होगी तब मैं इथेरियम की तरफ लॉन्ग देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार इथेरियम ने गिरते समय स्ट्रेंथ दिखाई थी, वो उतना नहीं गिरा था, उसने फिर भी हायर लो मेंटेन किया, अनलाइक बीएनबी जो यहाँ पे अभी इसने कर दिया है, राइट। यहाँ पे इसने लो बना दिया, अभी अगर इसके नीचे एक दो दिन में अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये अब यहाँ से नीचे जा रहा है, तो तब मैं जब बुलरन शुरू होगा, जब ट्रेंड वापस शुरू होगा तो मैं इथेरियम में लॉन्ग देखूंगा, क्योंकि मुझे वहां उसने क्रैश में भी स्ट्रेंथ दिखाया, इट शोड मी दैट बॉस आई नीड टू लाइक आई एम होल्डिंग दिस, आई एम नॉट लूजिंग वैल्यू सो मच, तो फिर मैं उसको जाके वहां पे दैट्स हाउ यू इवैल्यूएट। पर अब ये बीएनबी की बात करते हैं, बीएनबी में सिंपल है, इट इज जस्ट दैट कि ये जैसे मैंने बताया एक बहुत ही बड़ा क्रिप्टो स्पेशल वन वे मूवमेंट, राइट, एक महीना लगभग, फिर ये साइडवेज हुआ, अगली वापस कोशिश किया आज पुलिंग बैक, तो अब ये जो पुल बैक है ये अगर यहाँ इस 487 के पहले मतलब अगर इसको बिना ब्रेक किए वापस बाउंस हो जाता है यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर ये इसको तोड़ देता है तो इशू हो जाएगा, जैसे मैंने बोला $100 तक नीचे शायद कोई वैल्यू मतलब लेवल ही नहीं बन रहा है, मतलब हो सकता है बीच में कहीं रुक जाए थोड़ी देर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे $100 तक कुछ ज्यादा बड़ा कोई लेवल है, ठीक है। तो सो लॉन्ग तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि यार एक तो पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है, दूसरा ये इतना शार्प ही नहीं गिरना चाहिए, मतलब दिस इज देखो ये 12% गिरा, ये 4-5% गिरा, फिर ये 6-7% गिरा, फिर ये आज भी 6% नीचे, तो पिछले 4-5 दिन में ही इसने करीब 20-22% 25% रिट्रेसमेंट कर दिया, विच इज अ लॉट फॉर समथिंग विच इज ट्रेडिंग एट $100 billion मार्केट, राइट। तो जो चीज इतना मतलब लेवल पे होता है उसमें मूवमेंट इतना ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए, सो दैट इज हैपनिंग, विच टेल्स मी कि लॉन्ग तो बिल्कुल मत करो जब तक ये 600 वापस रिक्लेम नहीं कर लेता, 600 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर तब सोचेंगे लॉन्ग के बारे में, लॉन्ग बिल्कुल मत करो। शॉर्ट सारे मेरे मेरी बात को मान के जो बोल रहे थे कि सिग्नल दे दिया अब उल्टा करते लॉन्ग करते, मत करना सुमने ने बोला है मत करना, ठीक है। हाँ मतलब कर सकते हैं, पर ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है, ऑफकोर्स ये हो ही सकता है कि यहाँ से ऐसे आ जाए ये चले जाए और आप कहो कि भाई देखो हमने नेमिश की बात सुनकर यहाँ लॉन्ग कर लिया पैसे बन गए, हो सकता है, पर मैं यहाँ इसके पहले लॉन्ग नहीं करूंगा इस ऑर्डर से, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए, आप लोग अगर नेमिश का कंफर्मेशन मान लेते हो और ट्रेड कर लेते हो तो बहुत है, मैं नेमिश का कंफर्मेशन नहीं मानता, मुझे चार्ट पे चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, नथिंग अगेंस्ट यू नेमिश, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। सो प्लीज डोंट लॉन्ग टिल ये 600 का लेवल रिक्लेम ना हो जाए, तब तक मत करो, मतलब ये बहुत हो ही सकता है कि यहाँ से ना ये होल्ड करके चला जाए और ये आपको यहाँ अर्ली एंट्री मिल जाए या यहाँ अर्ली एंट्री मिल जाए, लेकिन यार वो अर्ली एंट्री ना रिस्की है, मतलब आप शायद पता नहीं है, आप अगर एक दो बीएनबी से ट्रेड करते हो तो हो सकता है, पर अगर आपको 50-100 BNB टाइप का बड़ा पोजिशन लेना है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो दिल को दुखेगा, तो मत करो, ठीक है। तो लॉन्ग इसके तक तो मत ही करो, शॉर्ट आई वुड से कि जब तक ये सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 487 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और इम्पोर्टेंट भी है वो, क्योंकि उसके बाद जैसा मैंने बोला लेवल ही नहीं है नीचे $100 तक $80 तक, तो 487 काफी हाई चांसेस है होपफुली कि वो होल्ड करे, वो अगर तोड़ दे तो फिर आप शॉर्ट साइड अपने हिसाब से ट्रेड देख लो कि मतलब आपको पुल बैक का वेट करना है, सीधा ब्रेक डाउन पे ट्रेड करना है, जो भी कर सकते हो, पर शॉर्ट तब तक मत करो, लॉन्ग के लिए तो अभी वेट ही करो, मतलब ये इसको होके और कन्फर्मेशन दे दे फिर आराम से देख, ठीक है। सो दैट इज दैट, 487 तक शॉर्ट मत करो क्योंकि वो होपफुली होल्ड हो जाएगा और नहीं तो फिर देखते हैं। Right now the support is at 529 and the resistance at 640. Right. Okay. ठीक है, ये कार्डेनो है, so कार्डेनो तो it yeah man this thing is just blowing my mind. ये चीज मतलब ऐसा 15 सेंट जो इंफिटेड करता था, ऐसा $2.5 कब हो गया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो ये क्रिप्टो स्पेशल तो 2.5 महीने तक साइडवेज बना रहा है, ये फाइनली ब्रेकआउट दिया और फिर क्या ही ब्रेकआउट दिया, मतलब अमेजिंग मूवमेंट, राइट। सो ये जो है ना
इट वेंट जस्ट आई हैव नथिंग अगेंस्ट एक्सआरपी गाइस, मतलब मैं मस्ती कर रहा हूं, बट एवरीबॉडी वाज लाइक एक्सआरपी $2 पहले जाएगा, सब कुछ $2 जा रहा है एक्सआरपी छोड़ के, राइट? मतलब कार्डेनो को बनता भी नहीं था, फालतू में $2 चला गया। वो मैटिक जो है वो भी चला जाएगा मेरे को लगता है एक्सआरपी के बाद, सो चला ही गया आई थिंक, मुझे पता नहीं क्या, मैं प्राइस नहीं देखा मैटिक का, बट मतलब एवरीथिंग व्हिच पीपल डिडंट एक्सपेक्ट टू गो टू $2 had no business to go to $2 is going except XRP. So, वो funny हो रहा है, तो मतलब guys, मतलब देख लो कुछ और trade, ठीक है? But anyways, this is ये जो Cardano का जो breakout था ना, that was already under, मतलब ये जब sideways movement बन रहा था ना, इसी में अंदर हमें दिखने लगा था कि ये जो structure है ये bullish है, right? So, अभी अगर हम इसको देखें, तो ये इधर low, higher low, higher low. Not particularly ये तो मैं हाई लो नहीं मानूंगा, बट ठीक है ये तो है ही। उसके बाद ये यहाँ पे ये वाला हाई, हायर हाई, और ये तो फिर ऑल टाइम हाई है, ठीक है? सो दो हायर हाई, एक हायर लो बन चुका है, एक और पुल बैक आएगा और मोस्ट लाइकली वो हायर लो बनाएगा, तो फिर हम उसको वी कैन लुक फॉर लाइक लॉन्ग ट्रेड्स ऑन दिस। ऑलरेडी अप ट्रेंड तो है ही एस्टेब्लिश, ये हमको पता ही है, कन्फर्मेशन और मिल जाएगा तो अच्छा मतलब रहेगा। बट अदरवाइज वन थिंग अबाउट Cardano इज इसको बिल्कुल भी मत शॉर्ट करना, क्योंकि इतना मार्केट क्रैश होने के बाद भी अगर ये बढ़ रहा है ना, तो इतना एक चीज हम सोचते कि यार बाकी सब तो गिर रहा है, ये नहीं गिरा है अभी तक, ये अभी तक नहीं गिरा है, तो अब इसको शॉर्ट करते हैं, ये भी तो कभी ना कभी गिरेगा। पर उल्टा होता है, मार्केट क्रैश होने के बावजूद अगर ये नहीं गिरा है तो मतलब सोचो इसमें कितना मतलब मोमेंटम होगा, कितना हाँ कितना बाइंग पावर मतलब होगा, यू नो ऑर्डर बुक पे, कि इट इज स्टिल होल्डिंग। बिटकॉइन 15% नीचे आ गया तो भी ये अपना भाई बढ़े चला जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि ये गिरेगा अब, क्योंकि अभी कभी ना कभी तो गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब इट माइट रिट्रेस, आई एम नॉट सेइंग इट माइट नॉट, बट मैं बोल रहा हूँ कि उसमें आप यू बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेस, नॉट द अदर वे अराउंड। इट इज इफ इट इज शोइंग स्ट्रेंथ तो आप उसको शॉर्ट नहीं करोगे, आप वीक कॉइन को ढूंढ के उसको शॉर्ट करोगे, राइट? सो वो चीज है, ठीक है? मैं लेवल तो यार है नहीं हमारे पास, क्योंकि इसने रिट्रेस, मैं जस्ट ट्राई एंड फाइंड इट ऑन द फोर आवर चार्ट, बट हीरो अंधी मचा रखी है। हाँ वही तो, बिल्कुल ही बिल्कुल ही मचा लेवल तो लास्ट वीक भी तो हमने ये डिस्कस किया था ना, नहीं अभी इसको बीच में डाला। ओके सी हूएवर इज सेइंग, अगर टाइम यार वो डिफाइन तो नहीं ले पाएंगे बिकॉज़ इट्स टू न्यू, बाकी लीना जीटीओ अगर टाइम बचा तो ले लेंगे, बीटीटी लीना जीटीओ अगर टाइम बचा तो ले लेंगे, आई डाउट कि टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है ये डिस्कशन में। हेड ड्रॉप, ठीक है, बहुत नीचे है मेरे को पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 1.82 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस तो हम नहीं बता सकते बिकॉज ऑल टाइम हाई से ही आ रहा है, कल ही बना है ऑल टाइम हाई, सो 1.82 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस वी कांट, ठीक है? नेक्स्ट है सर जी का कॉइन, क्या ही बात करें इसके बारे में, दिस इज राइट, सो ये रहा एक क्रिप्टो स्पेशल, देन ये पुल बैक, ये स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, इनफैक्ट बहुत ऊपर, राइट? वन वे अगेन, हाँ वन वे मूवमेंट, देन अनदर पुल बैक, एंड नॉट इज काइंड ऑफ गोइंग साइडवेज, थोड़ा ऐसे मुझे लगता है ऐसे होगा, बट डेफिनेटली शॉर्ट मत करो, दो रीजन, एक तो क्योंकि कहीं पे भी लोअर हाई लोअर लो अभी नहीं बना है, ये अगर यहाँ से इफ दिस इज द हाई एंड इफ इट गोज शार्पली लोअर, तो ये ऑल टाइम हाई के बाद ये लोअर हाई जरूर हो जाएगा, बट अभी नहीं है, अभी तो मतलब ये साइडवेज जा रहा है ऐसा लग रहा है, सो दिस इज स्टिल नॉट अ लोअर हाई, सो लोअर हाई लोअर लो बिल्कुल नहीं मिला, मतलब चार्ट पे बेसिकली कोई भी डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिला, तो शॉर्ट मत करो, प्लस भाई वही ट्वीट कब आ जाए, तुम्हारे कब स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लिक्विडेट हो जाओ, तो वो कोई भरोसा नहीं है, तो शॉर्ट तो बिल्कुल मत करो ऐसे कॉइन्स को। लॉन्ग के लिए यार मतलब कर ही रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, तभी तो इतना पंप हो रहा है, तो कर ही रहे हो आप, तो कर लो, देख लो, अप टू यू, बट I would say please don't short, मतलब short तो बिल्कुल मत, long का मैं तो कहूँगा, मैं तो I've never put a single rupee into this and I probably never do, I hope a sanity prevails in my mind at least, so I'm not going to long or short or do any business with this,
बट आपको अगर मस्ती में ना सब पीपल डू प्ले इट लाइक जैसा मस्ती में हम पोकर खेलते ना दिवाली पे, वैसे 5,000 रुपए का डाल दिया, 10,000 रुपए, वैसा मस्ती में ऐसा कि गया तो गया छोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा वाला करते हैं। बट प्लीज सीरियस मनी मत डालो, मतलब इथेरियम बढ़ रहा है पर डोज नहीं बढ़ा है तो मैं डोज में डालता हूँ ये बढ़ेगा पैसा, वैसा मत करना। डोंट पुट लाइक लैक्स ऑफ रुपीज इन, ओके दैट्स द पॉइंट। बट शॉर्ट बिल्कुल मत करना। द सपोर्ट इज एट 0.425, आई डोंट थिंक वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर क्योंकि रिट्रेसिंग नहीं हुआ है, अभी हो रहा है तो जब होगा पूरा तब हम एक मिनट यहाँ मिल सकते हैं, एक मिनट नो वी हैव वेट वेट आई थिंक चाहिए क्या ये वही है, अरे यार राइट दिस इज इट, ठीक है ठीक है। तो द सपोर्ट इज एट 0.425 and the resistance at 0.5, sir. All right. Next.